डियर स्टूडेंट्स वेलकम्स यू मैं रोहिता सिंह और दिस इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो बेस्ड ऑन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एम हम डिस्कस करेंगे जिसमें बारह एम होंगे और ये पेपर की दृष्टि से एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस होंगे तो डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन बेटा वो कह रहा है द पर्पज ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज़ वो कह रहा है वैल्यू वैल्यू एजुकेशन का पर्पज क्या होता है पहला वो बोल रहा है नंबर ए ऑप्शन फोस्टर यूनिवर्सल कोर वैल्यूज़ ठीक है बी कह रहा है मेक द सिलेबस ई तीसरा कह रहा है डेवलप वैल्यूज़ इन इंडिविजुअल्स एंड डी कह रहा है बोथ ए एंड सी तो देखिएगा इसमें बी ऑप्शन तो आपका जस्टिफाई नहीं करता है मेक द सिलेबस ई तो सिलेबस से कोई लेना देना इसका नहीं होता है तो इसका मतलब इसके दो ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी पहला हमारा पर्पज है वैल्यू एजुकेशन का फोस्टर यूनिवर्सल कोर वैल्यूज़ के लिए और दूसरा है टू डेवलप वैल्यूज इन इंडिविजुअल्स ठीक है क्वेश्चन नंबर दो टू देखते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन यूजेस टू मकैनिज सेल्फ एक्सप्लोरेशन में हम दो मकैनिज्म मकैनिज्म का यूज करते हैं पहला होता है नेचुरल एक्सपेक्टेंस और दूसरा क्या होता है वो पूछ रहा है कि पहला तो नेचुरल एक्सपेक्टेंस हो गया आपका दूसरा मकैनिज्म क्या होता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन में तो दूसरा मैकेनिज्म बेटा होता है एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन तो दूसरे का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक है उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री में कह रहा है हारमोनी शुड बी मेंटेन्ड इन हारमोनी किस किस के बीच मेंटेन्ड होनी चाहिए पहला ऑप्शन दे रहा है बॉडी ऑन एंड लाइफ के बीच ठीक है बिल्कुल सही है बॉडी और लाइफ के बीच हारमोनी होनी चाहिए तभी आपकी लाइफ ईजी होगी बिटवीन सेल्फ एंड सोसाइटी सेल्फ और सोसाइटी के बीच भी होनी चाहिए तीसरा बिटवीन लाइफ एंड एनवायरमेंट ठीक है इसका मतलब इसके तीनों ऑप्शन आपके सही है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोल रहा है सह अस्तित्व मीन्स तो सह अस्तित्व का क्या मतलब होता है ठीक है पहला कह रहा है कोएग्जिस्टेंस दूसरा कह रहा है कोऑपरेशन तीसरा कह रहा है को ऑप्शन फोर्थ कह रहा है कार्पोरेट आइडेंटिटी तो बेटे सह अस्तित्व का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है किससे को एग्जिस्टेंस तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है ए हारमोनियस वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय वैल्यूज एट फोर लेवल कि एक हारमोनियस वर्ल्ड को हम वैल्यू के द्वारा क्रिएट करते हैं चार लेवल पर वो चार लेवल कौन कौन से होते हैं तो अगर हम पहले लेवल की बात करें तो पहले लेवल में आ रहा है होम दूसरे में आ रहा है फैम सॉरी होम फैमिली सोसाइटी एंड कंट्री तो देखिएगा ये ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि अगर हारमोनियस वर्ल्ड हमें क्रिएट करना है तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल्स ठीक है यहाँ डायरेक्ट इसने स्टार्ट किया होम से बी ऑप्शन कह रहा है इंडिविजुअल इंडिविजुअल के बाद फैमिली सोसाइटी और यूनिवर्स सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी तीसरा देखिए अगर दे रखा हो उसने स्कूल तो डायरेक्ट स्कूल से शुरुआत कर रहा है होम ऑफिस एंड टेम्पल तो ये भी नहीं होगा और डी दिस इज़ द डी ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ एवर तो इसका राइट right आंसर होगा बी दैट इज़ जो हारमोनीस वर्ल्ड क्रिएट करना हमें चार लेवल पर वो चार लेवल कौन कौन से होंगे इंडिविजुअल फैमिली सोसाइटी और यूनिवर्स उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स मैनी ह्यूमन वैल्यूज सीम गुड और राइट ड्यू टू बहुत सी आपकी ह्यूमन वैल्यूज़ जो होती हैं ऐसी लगती हैं कि कुछ अच्छी होती हैं गुड होती हैं ठीक है या राइट right होती हैं ये किसके कारण होती है ड्यू टू नंबर वन पॉजिटिव फीलिंग्स ठीक है नंबर बी इंटरनल हैप्पीनेस नंबर सी नेचुरल एक्सेप्टेंस और डी ऑल ऑफ एवर तो इसका राइट आंसर होगा डी ये जो आपकी जो मैनी आपकी ह्यूमन वैल्यूज़ गुड या राइट right सीम होती हैं वो किसके द्वारा होती हैं पॉजिटिव फीलिंग्स की वजह से होती हैं इंटरनल हैप्पीनेस की वजह से होती है नेचुरल एक्सेप्टेंस की वजह से होती हैं ठीक है, है, है ना तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर सेवन कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स रेफर्स टू कॉम्पिटेंस का क्या मतलब होता है ठीक है ना तो नंबर ए एबिलिटी टू यूटिलाइज पावर एफेक्टिवली बिल्कुल सही नंबर बी एबिलिटी टू आयुगमेंट द यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर और नंबर सी एबिलिटी टू मेक प्रॉफिट और डी बोथ बी एंड सी ठीक है तो अगर इसके राइट right आंसर की बात करें बेटा तो इसका राइट right आंसर होगा बोथ बी एंड सी ठीक है एबिलिटी टू आयुगमेंट द यूनिवर्सल ह्यूमैन ऑर्डर एंड एबिलिटी टू मेक द प्रॉफिट तो इसका राइट right आंसर होगा डी बोथ बी एंड सी क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट में कह रहा है एन इंडिविजुअल पीपल एस्पायरिंग फॉर द यूनिवर्सल ह्यूमैन ऑर्डर विल बी नंबर ए मोर रेस्पॉन्सिबल सोसाइटली एंड इकोलॉजिकली मोर रिच तो मोर रिच का तो कोई मतलब नहीं होता है ठीक है ना अगर वो यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की बात कर रहा है तो रिच से इसका कोई मतलब नहीं होता है ठीक है ना मोर पावरफुल इससे कोई मतलब नहीं होता है मोर वेल ट्रेवल्ड तो इसका राइट right आंसर होगा ए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर मोर रेस्पॉन्सिबल सोसाइली एंड इकोलॉजी मतलब सोसाइटी के प्रति भी रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए और इकोलॉजिकली भी होना चाहिए ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन देखिएगा ए कंट्री विच हैज़ ट्रांजिटेड टू यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर इज लाइकली टू हैव मोर ग्लोबल ट्रेड नंबर बी म्यूचुअली एंड रिचिंग इंस्टीट्यूशन एंड सी मोर से इन दू एन नो नन ऑफ एब तो ग्लोबल ट्रेड मोर होना चाहिए ठीक है तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए टेन देखिएगा एज इंडिविजुअल पीपल एस्पायरिंग फॉर द यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर ठीक है ना ये किसकी बात कर रहा था कंट्री और ये किसकी बात कर रहा इंडिविजुअल की तो इसका राइट right आंसर क्या होगा मोर रिच तो रिच से तो कोई मतलब नहीं होता मोर रेस्पॉन्सिबल सोशली एंड एकोलॉजिकली तो राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर बी उसके नंबर देखिएगा अलेवन नंबर हारमोनी शुड बी मेंटेन्ड इन हारमोनी किस किस के बीच होनी चाहिए तो शायद ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है ठीक है ना बिटवीन बॉडी एंड लाइफ के बीच होनी चाहिए बिटवीन सेल्फ एंड सोसाइटी के बीच होनी चाहिए बिटवीन लाइफ एंड एनवायरमेंट होनी चाहिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ट्वेल्व नंबर देखिएगा वैल्यूज़ इम्पोर्टेंट फॉर रिलेशनशिप आर मैनी दे मे इंक्लूड ठीक है वैल्यू इम्पोर्टेंट फॉर रिलेशनशिप के लिए जो वैल्यूज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती है एग्रेशन कंपटीशन, इंटीग्रिटी एंड करेक्टर और एरोगेंस तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ इंटीग्रिटी एंड करेक्टर ठीक है तो बेटा ये कुछ ट्वेल्व क्वेश्चन मैंने लिए थे जो कि बेस्ड हैं आपके ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स पर इनको आप एक बार रीड कर लीजिए एग्जाम में जाने से पहले ठीक है ना ये आपके बहुत काम आएंगे और इसके बाद बेटा जो वीडियो आने वाली है उसमें मैं पाँचों यूनिट की समरी दूंगा आपको फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में और उसमें काफ़ी क्वेश्चन आपके होंगे एक बार उनको प्रैक्टिस कर लीजिए ठीक है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू